बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे MTS 202 का लेक्चर नंबर 34। इससे आगे हम काफ़ी सारे लेक्चर्स आज कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसमें सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने 1 से लेकर 100 तक आपके पास नंबर है, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक आपके पास नंबर है और आपने 3 के और 5 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन के कवानीन जो हैं वो इस्तेमाल होंगे, के लॉज जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। इस साइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन और जो यू होता है उसको यूनियन से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 को हम नाम दे देते हैं जी n इंटू ए का, और दूसरे जिसके हमने 5 से निकाले उसको n इंटू बी का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। अब हम उसने क्या कहा है जी कि 3 और 5 के पहले मल्टीपल निकालने और बोथ के भी निकालने, यानी कि दोनों को मिला के भी आपने मल्टीपल निकालने। तो सबसे पहले इस 1000 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करें तो 3 3 3 हमारे पास एक नंबर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इतने मल्टीपल बनेंगे 3 के। उसके बाद अगर इसको 5 से डिवाइड किया जाए 5 के चेक करने के लिए तो 200 आंसर आएगा, तो इट मीन्स 200 इसके बन जाएंगे। उसके बाद n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, अब n को मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब n क्या है हमारे पास, टोटल हमारे पास कितने बनेंगे, 5 और 3 था ना, 3 5 15। अब 15 को इससे डिवाइड करेंगे जो आपके पास नंबर आएगा 66। अब हम इंटरसेक्शन और यूनियन का इंक्लूजन, हैंस बाय द इंक्लूजन माइनस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल के थ्रू ये हमारे पास इसका फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला याद होगा तो तभी आप इसको कर पाओगे। तो अब क्या करेंगे जी, पहला प्लस दूसरा फिर माइनस तीसरा जो हमने निकाला, ये फार्मूला याद रखें, बाकी तो सारी कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला हमारे पास होता है एन इंटू यू माइनस एन इंटू ए यूनियन बी। एन इंटू यू यानी कि हमारे पास जो पूरा बड़ा नंबर है हमारे पास वो है 1000, तो 1000 में से माइनस करेंगे जो हमारे पास उसका ये आंसर है, तो ये इसमें माने किए तो ये हमारे पास इसके अलावा जो नंबर्स हैं वो बच जाएंगे, ठीक है। दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास जो नंबर्स बचे वो 533 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपने फार्मूले देख लेने और ये याद रखना है क्योंकि ये फार्मूले जो हैं वो आगे यूज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है सर्वे ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट्स गेव द फॉलोइंग डाटा, 8 ऑनवर्ड अ कार, 20 ऑनड अ मोटरसाइकिल, 48 ऑनड अ बाईसाइकिल, यानी कि इतने बंदू ने ये चीज़ें जो है वो खरीद ली हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑन अ बाईसाइकिल एंड आइदर अ कार और अ मोटरसाइकिल। अब यहाँ पे हमें पहली बात तो ये पता है, एक बंदे पहला जो है वो हमारे पास आ जाएगा, टोटल हमारे पास 100 है, उसको एन यू का नाम देंगे जैसे ऊपर हमने दिया था, ठीक हो गया। ये देखें, ये हमने पहले दे दिया। उसके बाद ये कार के लिए आ जाएगा, ये मोटरसाइकिल के लिए आ जाएगा और ये बाइक के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए, अगर इन दोनों तीनों का यूनियन लिया जाए, अब अगर इन तीनों का क्या लिया जाए, यूनियन इंटरसेक्शन लेते हैं सबसे पहले, 38 हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास 38, इसमें ये ऐड करते हैं और 8 माइनस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया 38। और उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला ऊपर जो हमने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन अप्लाई किया है उसका फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और शेडेड का काम क्या है जी, ये कार है, मोटरसाइकिल है और ये हमारे पास बाइक्स आ जाएगी, ये दरमियान वाली, तो इसमें ये जो शेडेड है ये मिक्स आ जाते हैं कि ये इस बंदे ने कार भी लिया और इस बंदे ने बाइक भी ली, इस बंदे ने अगर मोटरसाइकिल लिया तो इसने बाईसाइकिल भी लिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिवर्स रिवीजन ऑफ फंक्शंस पे आ जाते हैं। हमने फंक्शंस पढ़े थे पहले कि फंक्शंस क्या होते हैं, 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शंस एंड 1-2 मैनी फंक्शंस, तो हमने वो पढ़ा था ना। अब यहाँ पे इन फंक्शंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। द अबव रिलेशन इज अ फंक्शन बिकॉज इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ फंक्शन एज ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैव एन इमेज इन सेकेंड सेट। तो फंक्शन वो होता है कि पहले जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ मैच हो रहे हों, यानी कि उसका इमेज किसी दूसरे के साथ पड़ रहा हो, तो वो हमारे पास फंक्शन होता है। यहाँ पे देखें, हर एलिमेंट किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक क्या है हमारे पास। ये देखें जी, हमें फाइंड करना है एग्जाम्पल कंप्यूट एक्स एक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स, हमने ये फाइंड करना है। अब हमारे पास वैल्यू है 25/4। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ब्रेक कैसे होता है जी, 6+1/4। अगर इसको दोबारा से मैं इसका एलसीएम लूँ तो दोबारा से आपके पास 25/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ गया हमारे पास, क्या वैल्यू आ गया 6,
हमारे पास वैल्यू आई है पहली 6, 6 में प्लस 1 करेंगे विच इज इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 0.999, इसमें हम जीरो में कोई भी चीज़ ऐड करें तो वही आता है ना। अब देखिए यहाँ पे आया है जीरो, उसमें हमने 1 प्लस कर दिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए -2.01 है, तो -2 से बड़ा नंबर क्या है 3, तो 3 में से 0.999 हमने माइनस किया तो यहाँ पे आ गया -3। -3 प्लस 1 करेंगे वही रूल, प्लस 1 करेंगे तो ये पिजियन लॉ होता है जिसके थ्रू हम ये सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है, एन बाई 7 है ठीक है, 7.5 माइनस 1 करेंगे ठीक है, प्लस 1 तो 4 में से 1 जाएगा, तो दोबारा से वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये फार्मूला लिखा होगा एन इंटू के प्लस 1, ये फार्मूला लिखा हुआ है ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करते जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। एन एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसीजर दैट यील्ड्स अ गिवन सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि हमारे पास एक रिजल्ट की आउटकम्स होती हैं कि इसके रिजल्ट कितने तरह का आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसके रिजल्ट में क्या क्या आ सकता है, या तो एक टीम जीत सकती है या एक टीम हार सकती है, या तो वो ड्रॉ हो सकता है, यानी कि तीन पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ सकती है। तो इट मीन्स कि ये तीन रिजल्ट इसके आ सकते हैं ठीक है। एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। अब हम थोड़ा सा, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हम एक, यहाँ पहले मैं थोड़ा सा पेंट निकाल लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ में समझाऊंगा। अब एक, अगर हमारे पास एक कॉइन है, ये मैं रख लेता हूँ, ये एक कॉइन है ठीक है, इसकी एक साइड जो है वो हेड है, एक साइड टेल है। एक साइड क्या है, यहाँ पे मैं पेंसिल लेता हूँ, एक साइड है हेड और एक साइड है टेल। अब एक दफ़ा या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा ठीक है, या तो हेड आएगा जब आप कॉइन को ऊपर उछालोगे, या तो ऊपर हेड आएगा या फिर ऊपर क्या आएगा टेल आएगा, यानी कि दो ही रिजल्ट है हेड एंड टेल, तो टू पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो ये हमारे पास रीजन है इस चीज़ की। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगा, तो ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। लिखा हुआ जी, व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस द सैंपल स्पेस एस ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैज द फॉलोइंग 36 आउटकम। अगर एक डाइस को टॉस किया जाए तो उसके जो आउटकम्स आएंगे, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो इतने आएंगे, यानी कि 36 आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और मोर कॉम्पैक्टली ये हमारे पास तकरीबन ये जो नंबर हैं वो हमारे पास बनेंगे, यानी कि 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, इन दोनों को मिला के यहाँ तक 66 तक ये हमने नंबर लिख लिए, और ये टोटल नंबर कितने बन रहे हैं 36। लेट ई बी द इवेंट इन विच द सम ऑफ नंबर इज 10, देन, तो हमने क्या निकालना है जी, जिन दोनों नंबर का सम 10 होगा वो हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखा जाएगा जी 10 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे देखें 4 और इसको प्लस करें तो 10 आता है, इन दोनों को प्लस करें तो 10 आता है, इन दोनों को प्लस करें तो 10 आता है, यानी कि ये तीन जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं इनको दोनों को प्लस करें तो 10 आ जाता है। तो उसने कहा था कि वो वाले पेयर निकाले जहाँ पे 10 आ रहे हैं, तो ये तीन पेयर हमारे पास आ चुके हैं ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का कोई फॉर्मूला है, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई द नंबर ऑफ टोटल आउटकम इन एस, यानी कि एस में जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे और हमारे पास जो ई में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे उनको हम डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन अ डाइस इज टॉस्ड। ग्रेटर देन 4 की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, ग्रेटर देन 4 हमारे पास नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमने एस को वैल्यू दे दिया जी 6, 1 से लेकर 6 तक हमने नंबर ले लिया। अब 4 से बड़ी उसने वैल्यू कही थी, ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 क्या है 5 एंड 6, तो हम ई को वैल्यू देंगे जो हमने सिलेक्ट किए हैं 5 एंड 6, 2, यानी कि ए के एलिमेंट्स कितने हैं 2 और एस के एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास 6, तो 2 बाई 6 इज इक्वल टू 1/3, तो इसका पीई प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ जाएगी 1/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 और 9 व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, ठीक है हमारे पास क्या है जी, व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड इट्स सैंपल स्पेस एज हैज अ 36 आउटकम विच आर एज फॉलोज। उसने क्या कहा था 8 और 9, तो यहाँ पे हमारे पास वही पेयर हमने बना लिए हैं 1 से लेकर 6 तक, यहाँ पे हमारे पास पेयर कितने बने ये 36 हमने पेयर बना लिए हैं ठीक है। अब उसने कहा था या तो 8 आए आंसर या फिर 9 आए, टोटल कितना आए, या तो 8 आए या 9 आए, तो दो ऐसे हमने जोड़े सेलेक्ट करने हैं जैसे 2, 6, 8 होते हैं, जैसे कि हमारे पास 4, 5, 9 होते हैं, 4, 4, 8 होते हैं, ये हमने ले लिया, 6, 2, 8 होते हैं, 3, 6, 9 होते हैं, 4, 5, 9 होते हैं, 5, 4, 9 होते हैं, 6, 3, 9 होते हैं, तो ये हमने जोड़े यहाँ से क्या कर लिए हैं सिलेक्ट कर लिए हैं। टोटल हमारे पास कितने से
कितने थे हमारे पास 36, और हमने बीच में से कितने सेलेक्ट हुए हैं हमारे पास 9, तो 9 बाय 36 करेंगे, अब कटिंग होगी, कटिंग करने के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू बचेगी वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी को हमने फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे थोड़ा सा देखते हैं कि वहाँ पे वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। वो कहता है जी लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी के लॉज हैं, उनको आप लोगों ने देख लेना है कि कौन कौन से लॉज हैं। सबसे पहला लॉ क्या है, सबसे पहला लॉ है एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी, यानी कि जो भी नंबर आएंगे हमारे पास उन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, दोनों सेट्स को प्लस करना है, ये पहला हमारे पास रूल आ जाएगा। यहाँ पे लिखा सपोज अ डाई इज रोल्ड, लेट ए बी द इवेंट दैट वन अपीयर एंड बी इज द इवेंट दैट सम इवन नंबर अपीयर्स ऑन द डाई। उसने कहा है वन ऐसा नंबर है, ए ऐसा एक एलिमेंट है, एक ऐसा नंबर है जहाँ पे वन आएगा, एक टॉस करेंगे हम, ए पे वन आएगा और बी पे कोई इवन नंबर आएगा, और बी पे क्या आएगा, कोई इवन नंबर। हमारे पास एस के हमने वैल्यू ले लिया 1 2 6, अब ए पे क्या आना चाहिए, सिर्फ वन, और बी पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर 2 4 6, हमारे पास इवन नंबर इस सेट में से मैंने निकाल लिया। अब बी के कितने वैल्यूज हैं, 3, ए की कितनी वैल्यू है, 1, तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एस कितने हैं, 6, तो नीचे आ गया 6, और टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कितना आ गया, ए से करेंगे तो 1 आ जाएगा, बी से करेंगे तो बी की वैल्यू क्या है जी, 3, तो 3 बाय 6। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, मैंने जैसे पहला रूल आपको बताया, ये देखें रूल है हमारे पास, ये रूल है, इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो दोनों को प्लस करेंगे एलसीएम आएगा 6, और दोनों ऊपर वाले प्लस, 3 प्लस 1 4, 4 बाय 6, कटिंग होगी तो 2 2 जर 4, 2 3 जर 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यही रूल यहाँ पे हर जगह पे ये देखें अप्लाई होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखते हैं, अफेयर डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 5 और 11। हमने हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, सबसे पहले तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी आ रही हैं जी, 36 आ रही हैं, उनमें से हमने सेलेक्ट करना है जहाँ पे टोटल 5 या 11 आए, तो 1 4 5 होता है, 2 3 5 होता है, 3 2 5 होता है, 4 1 5 होता है, और हमारे पास बी जहाँ पे 11 आता है वो 5 6 होता है, और 6 5 होता है, ठीक है। हमने 36 वही जो हम पहले करते आ रहे हैं उसी तरह से हम निकालते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले के टोटल नंबर कितने हैं जी, 4 4 बटा 36 आ जाएगा, और इसके कितने हैं, 2 2 बटा 36 आ जाएगा। अब दोनों को प्लस करो, प्लस करने के बाद हमने टोटल इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे वही थ्योरम्स आ गए हैं, थ्योरम्स को आपने इनके प्रूफ्स देख लेने हैं, इनके प्रूफ्स जो हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। एंड प्रूफ्स के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में पढ़ेंगे हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पढ़ेंगे, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 When a dice is tossed, और दूसरा हमने करना है an even number appears on tossing a die, कि हम die को toss करें तो हमारे पास एक even number आना चाहिए, ठीक है। What is the probability that the number is 2? What is the probability that the number is 3? तो सबसे पहला हम करते हैं जी ए पार्ट, डाई टॉस देन द सैम्पल स्पेसिस, एस को हम वैल्यू वही दे रहे हैं जी 1 2 6, और एन एस हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 आ जाएंगे। लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग 2, हमने कहा था इवेंट ऑफ गेटिंग क्या होना चाहिए, 2 आना चाहिए, ए इज इक्वल टू 2 दे रहे हैं हम, और एन ए इज इक्वल टू 1 दे रहे हैं। जाहिर सी बात है एक कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो या तो वो 2 आएगा या फिर वो 1 आएगा, क्या आएगा, 2 अपीयर्स व्हेन द डाई इज टॉस, 2 अपीयर्स व्हेन अ डाई टॉस। तो एन ए की वैल्यू क्या है, एन ए का एलिमेंट कितना है 1, और एन एस के एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, ये देखिए 6, तो 1 बाय 6 प्रोबेबिलिटी का रूल लगाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसी तरह उसने कहा है लेट एस वन डिनोट टू टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन से हैं, उसमें से आप इवन नंबर निकालें ना जरा, 2 4 6, 3 इवन नंबर आ रहे हैं ना इस पूरे सेट में से, इवन नंबर निकाले तो कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो इसमें से हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने बन गए, 3, टोटल एलिमेंट्स 3, और आना क्या चाहिए हमारे पास इवन नंबर में, 2, इवन नंबर क्या होता है हमारे पास 2, बी इज इक्वल टू 2, एक हम रख रहे हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए इवन 2, यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि क्या आना चाहिए 2, तो यहाँ पे इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 3, इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 1, तो 1 बाय 3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे वो कहता है लेट ए एंड बी बी इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सच दैट बी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 बाय 4 एंड पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 बाय 6, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटू ए स्लैश पी। अब जैसे कि ए स्लैश बी का हमें फॉर्मूला तो पता है जी, पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद पी इंटू बी, ठीक है। तो ऊपर वाले की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी जगह वैल्यू पुट की, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू को जब पुट करेंगे तो 1 बाय 6 मल्टीप्लाई 4 बाय 1 बन जाएगा, 1 बाय 6 मल्टीप्लाई 4 बाय
वन, तो ये 4/6 आंसर आ जाएगा, कटिंग करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। लेट ए एंड बी इवेंट्स, पी एफ ए की वैल्यू दी हुई है और पी इंटू ए और बी की वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले ये निकालेंगे, इसके लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो हमने ऊपर लगाया होता सेम वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरे में निकालेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा, दूसरी वैल्यू को हम पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है जी पी इंटू ए यूनियन बी, ये हमने फाइंड करना है। जब ये फाइंड करेंगे तो ये देखें इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब पी एफ ए की वैल्यू भी हमें पता है, पी एफ बी की वैल्यू पता है, और पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी हमें पता है, ये ऊपर गिवन है, पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें गिवन है। तो उसमें वैल्यूज पुट करने के बाद इन दोनों को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, तो ये होती है हमारे पास कंडीशनल प्रॉबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आगे थोड़ा सा देख लेते हैं जी रैंडम वेरिएबल, थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल को एक्सप्लेन कर देते हैं। अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज अ रूल दैट असाइंस अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम इन अ सैम्पल स्पेस, और इट इज अ फंक्शन विच मैप्स ईच आउटकम ऑफ द सैम्पल स्पेस इन टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर का जो भी सेट होगा उन सारे नंबर्स के आउटकम्स बनेंगे। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल को हम करेंगे तो इंशाल्लाह आप आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज टॉस्ड, एक डाइस को हम टॉस करें, द सैम्पल स्पेस एज कंसिस्ट ऑफ 36 ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। कितने होने चाहिए 36, जैसे कि मैंने पहले बनाए थे 1-1 से लेकर 6-6 तक जाएगा, ये 36 तक बनेगा। लेट एक्स असाइन टू ईच पॉइंट इन एस द सम ऑफ द नंबर, देन एक्स इज रैंडम वेरिएबल विद रेंज स्पेस ऑफ, ये उसने रेंज स्पेस दे दिया 2 से लेकर 12 तक, उसने क्या दे दिया एक रेंज स्पेस दे दिया। लेट वाई assigns to each point in S the maximum of two integer is outcome, then y is a random variable with range space of 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास जैसे कि मैंने बताया था पहले S हम कहाँ से लेते हैं, हम 6 नंबर लेते हैं 1 2 6 तक हमारे पास इसकी रेंज आ जाती है। अब इसकी थोड़ी सी कोई एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले पेयर ऑफ डाइस डाइस इज टॉस, लेट एक्स असाइन टू ईच पॉइंट ए बी इन एस इज इक्वल टू 1 1 1 2 एंड 6 6, वही 36 आ जाएगा। एंड एक्स ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन हमने प्रूव करनी है कि एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास एक्स 2 इंटू 12 ऊपर हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी की जब करेंगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 1 + 3 इज इक्वल टू 4, इसी तरह etc, ये चलता ही जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x मे बी कंप्यूटेड एज, सबसे पहले हम लेंगे पहला सेट, पहला जब लेंगे तो ये पूरे एक एक हमारे पास ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो 1/36 टोटल हमारे पास कितने हैं 36, याद रखिएगा टोटल हमारे पास 36 हैं। जब 3 पे जाएंगे तो हमारे पास दो यहाँ पे, यानी कि हमने जब 3 के लिए करना है तो हमने ऐसे नंबर लेने हैं जिन दोनों को प्लस करें तो 3 3 आए, तो ये इन दोनों को प्लस करें 3 3 आते हैं, तो दो ऑर्डर पेयर हैं 2/36। अब 4 ऐसे ऑर्डर पेयर हमने सेलेक्ट करने हैं जिनको प्लस करें तो 4 4 आए, तो ये देखिए 3 ऑर्डर पेयर हैं 3/36। अब ऐसे ऑर्डर पेयर जिनको प्लस करने से 5 5, तो 4 बन रहे हैं। अब ऐसे ऑर्डर पेयर जिनको प्लस करें, ये देखें यहाँ पे जितने भी सिलेक्ट हुए हैं ये 5 जिनको प्लस करेंगे तो आपका 6 ही आएगा, तो ये गिनती करें 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास 5 आ गए, इसी तरह 6 आ गए, इसी तरह प्लस करते जाएंगे तो आपके पास रैंडम वेरिएबल निकलता जाएगा। तो 2 के लिए ये आया है, 3 के लिए ये आया, 4 के लिए ये आया है, 5th के लिए ये आया है, और 6 के लिए ये आ गया। तो इस तरह से हमने आपने रैंडम वेरिएबल्स को भी फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, कि ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं। मेरी कोशिश यही है कि यार आप लोगों को बस टाइम तो भी बहुत ही कम रह गया है, तो इसलिए मैं नॉर्मली जो आपको क्वेश्चंस है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत बहुत माजरत पहले तो करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं ये पहले नहीं कर सका, क्योंकि मेरे अपने पेपर्स चल रहे थे और प्रैक्टिकल्स हो रहे थे, और मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो बिल्कुल भी फ्री नहीं था, उसके लिए बहुत बहुत माजरत करता हूँ। लेकिन फिर भी उससे पहले मैं आप लोगों को पूरा जो है ये एक्सप्लेन इंशाल्लाह इस वीडियो में कर दूँगा। हम यहाँ पे जो ग्राफ्स थ्योरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेवरल एरियाज ऑफ कंप्यूटर, स्विचिंग थ्योरी एंड लॉजिकल डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर्मल लैंग्वेजेस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर राइटिंग, इन इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्राइवल, यानी कि यहाँ यहाँ इनका रोल अप्लाई होता है। अ ग्राफ इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड वर्सेस एंड अ सेट ऑफ लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग टू पेयर वर्सेस कॉल्ड एजेस, यानी कि एजेस किसको कहते हैं, किनारों को कहते हैं, ठीक है, और हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अब ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम ग्राफ को देखेंगे। लिखा हुआ डिफाइन द फॉलोइंग ग्राफ फॉर्मली बाय स्पेसिफाइंग इट्स वर्टेक्स, सेट इट्स एज सेट एंड टेबल गिविंग टू एज एंड पॉइंट फंक्शन। अब हमने क्या किया है जी, इसके एजेस क्या है, एजेस क्या है, v1 v2 v3
एंड वी फोर, एजेस को हम किस से डिनोट करते हैं, वी से, वी वन वी टू वी थ्री। अब एज सेट कौन सा है, हम एज को ई से डिनोट करेंगे, ई वन ई टू एंड ई थ्री। अब हमने यहां पे देखना है कि किस पे कौन सा जा रहा है। अब ई एज पे ये देखें, ई एज पे क्या जा रहा है, अब देखें ये ई एज है, ई वन, ई वन पे कौन सा जा रहा है, वी वन एंड वी टू, तो यहां पे आ जाएगा वी वन एंड वी टू। ई टू पे कौन सा जा रहा है, वी वन एंड वी थ्री, तो हम क्या लिखेंगे जी, ई टू पे जा रहा है वी वन एंड वी थ्री। और ई थ्री कहाँ पे है, ई थ्री का देखें यहाँ सर्कल घुमा के दोबारा से वी थ्री पे जा रहा है, सर्कल घूम के दोबारा वी थ्री पे ही जा रहा है, तो इट मीन्स ई थ्री पे सिर्फ क्या आएगा, वी थ्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं जी, फाइंड ऑल एजेस दैट आर इंसिडेंट इन वी वन, फाइंड ऑल वर्टिसेस आर एडजेसेंट और टू वी थ्री, फाइंड ऑल लूप्स, लूप हमने फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले तो देख लें लूप क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक है ना, ठीक है, तो ये जो किनारा है इसका, ये और ये हमारे पास होंगे इसके एजेस, ये क्या होंगे इसके एजेस, किनारे, ठीक है। और उसके बाद सॉरी, ये हमारे पास वर्टिक्स होंगे, ये क्या होंगे हमारे पास वर्टिक्स होंगे, ठीक है, और ये इसकी एजेस होंगी, ये जो है हमारे पास इसके एजेस होंगे। अब किसी भी जगह पे अगर यूं बना हुआ है ना, अगर किसी पे यूं सर्कल बन के यूं एरो बना हुआ है, सर्कल बन पे यूं एरो बना हुआ है, सर्कल बन के यूं एरो बना हुआ है, तो ये हमारे पास कहलाएंगे, ये इसके लूप्स हैं, ये क्या है इसके लूप्स हैं, ठीक है। तो ज़रा चलते हैं देखते हैं, ये देखें एक लूप चल रहा है, दो लूप है, दो लूप हैं इसमें। अब सॉल्यूशन लिखा है, वी वन इज द इंसिडेंट विद एजेस ई वन ई टू एंड ई सेवन। अब वी वन को देखा जाए तो इसमें तीन एजेस हैं हमारे पास, वी वन में कितने एजेस हैं, तीन, ई वन है, ई टू है और ई सेवन है। ये देखें वी वन पे एक ये आ रहा है, ई वन ई टू और ई सेवन देखें, उसके बाद वर्सेस, अब दूसरा गया वर्सेस ऑफ वी थ्री, वी थ्री पे जाते हैं जी, वी थ्री आर वी वन एंड वी टू, वी थ्री को देखें तो यहाँ पे वी थ्री ये, वी वन किसके साथ ज्वाइन कर रहा है हमारे पास, देखें वी वन को और वी टू को, तो ये इसके आ जाएंगे। उसके बाद फाइंड आर लूप्स, ई वन ई थ्री, ई वन और ई थ्री लूप्स हैं, ओनली एजेस ई फोर एंड ई फाइव आर पैरेलल। अब देखें ई वन यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ई वन ये आ रहा है और ई फोर कहाँ पे है ये, तो ये आपस में क्या है पैरेलल है, ई फोर एंड ई फाइव पैरेलल है, ई फोर और ई फाइव। देखें पैरेलल कैसे होता है, पैरेलल होता है जी, अगर एक यूं चल रही है तो दूसरी भी यूं होनी चाहिए, अगर एक यूं है तो दूसरी भी यूं होनी चाहिए, तो ये आपस में पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दो जो हैं आपस में पैरेलल हैं, उसके अलावा और कोई पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये ग्राफ्स को देख लेना है। अब सिंपल ग्राफ को थोड़ा सा देख लेते हैं जी, अ सिंपल ग्राफ इज अ ग्राफ दैट डज नॉट हैव एनी लूप इन और पैरेलल एजेस। सिंपल ग्राफ में कोई लूप नहीं होता और पैरेलल एजेस नहीं होते। ई को एजेस से डिनोट करते हैं और वी को वर्टिक्स से डिनोट करते हैं, तो जस्ट यही इसमें कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पाथ्स एंड सर्किट्स, ठीक है। तो पाथ्स एंड सर्किट्स को भी आपने देख लेना है, इसमें कुछ डेफिनेशंस आ जाएंगी, ये इक्विवेलेंटली वाल्व की डेफिनेशंस आ जाएंगी, तो ये क्लोज वाल्व, ये तो ये यहाँ पे जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये डेफिनेशंस आप लोगों ने लाजमी करनी है, और ये टेबल भी आपने याद करना है, कहाँ पे ये अलाउ करता है, कहाँ पे ये अलाउड करता है और कहाँ पे नहीं करता। तो इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशंस को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 41 पे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर रे ऑफ एलिमेंट्स दैट अरेंज इनटू रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम में जो हमारे पास नंबर्स अरेंज होते हैं उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे जो चीज़ होती है उसको कॉलम बोलते हैं, और दाएं से बाएं जो चीज़ होती है लेफ्ट टू राइट उसको हम कॉलम सॉरी रोज कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक मैट्रिक है ये, अब इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं ये देखें, इसके रोज बाय कॉलम इसका ऑर्डर होता है, क्या होता है, पहले रोज को गिनती करते हैं, देखें एक रो दो रो तीन रो, तो पहले लिखेंगे हम थ्री, ये देखें थ्री, फिर हम कॉलम को गिनेंगे एक दो तीन चार, तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं रोज बाय कॉलम, तो पहले थ्री फिर फोर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जो भी आंसर आता है उतने उसके एलिमेंट्स होते हैं, तो थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, तो इसके ट्वेल्व एलिमेंट होने चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो देखें ट्वेल्व इसके एलिमेंट्स हैं। ये तो होगी ऑर्डर की बात। उसके बाद आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का बता देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी कि रोज की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर होती है, उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद क्या आ जाती है हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ये थोड़ा सा आप देख लें, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, आप लोगों को बड़े मज़े के लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक क्या है मैट्रिक्स है, इसको मैं लिखता हूँ वन टू थ्री, अगर इसका मैं ट्रांसपोज लूँ तो क्या होगा, ये चीज़ लिखी है ना रो में, इसको जस्ट कॉलम में लिख देना है,
वन टू कॉलम में हो गए। ये देखें रो में लिखी हुई है, इसको कॉलम में लिख दो, दूसरे नंबर पे कॉलम में लिख दो। तो ये होता है किसी चीज़ का ट्रांसपोज लेना, यानी कि चीज़ रो में लिखी हुई है उसको किस तरह लिख लो, कॉलम में। चीज़ रो में लिखी हुई है उसको लिख लो कॉलम में। तो ये होता है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। लिखा हुआ है कि द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स साइज एम क्रॉस एम द मैट्रिक्स नोटेड टू ए ऑब्टेन बाई राइटिंग द रोज ए इन ऑर्डर टू एज कॉलम, यानी रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना। ये देखें लिखा हुआ है 4 -2 0 6, ये इस तरह लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें ये इस तरह लिखा हुआ, यहाँ पे ये इस तरह था। अब इसको ट्रांसपोज में ये देखें सारे रोज कॉलम में चेंज हो गए। उसके बाद सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है अगर ए का ट्रांसपोज लेने के बाद वो दोबारा से उसी के इक्वल आ जाए तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर ए का ट्रांसपोज लें वो दोबारा से ए के इक्वल आए तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। आप देखें यहाँ पे ये बी का ट्रांसपोज लिया गया है वो दोबारा से बी के ही इक्वल आया है, तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक है। अब ए का ट्रांसपोज लेने के बाद वो ए के इक्वल नहीं आया तो इट मीन्स वो सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई इस तरह किया जाता है, पहले पहला नंबर पहले के साथ होता है, फिर दूसरा नंबर इस थ्री के साथ होगा। देखें 1 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, फिर हम थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे जाएंगे। अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 को 0 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ। ये देखें ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने गलती से 6 लिख दिया, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 2 आता है ठीक है। अब 1 4 के साथ होगा, ये देखें 1 × 4, फिर 3 जो है वो 6 के साथ होगा। तो ये पहला हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम सेकंड रो पे आएंगे, पहला पहले के साथ फिर दूसरा दूसरे के साथ, ये देखें फिर पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर पहला पहले के साथ फिर दूसरा दूसरे के साथ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्लस माइनस करने के बाद हमने जस्ट यहाँ पे लिख दिया, ये होता है मल्टीप्लीकेशन ठीक है। उसके बाद आ जाता है जनाब, आगे चलते हैं जी, अगला देख लेते हैं हमारा टॉपिक कौन सा। उसके बाद आ जाता है एसोमेरिज्म ऑफ ग्राफ्स, हाउ वी हैव अ ग्राफ। हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, उसके एजेस का आपको पता है, उसके वर्टिसेस का आपको पता है। तो जस्ट आपने एजेस और एंड पॉइंट्स का बताना है कि उसके एजेस कौन कौन से हैं, जैसे E1, E2, E3, E4, ये इसके एजेस हैं, और उसके एंड पॉइंट कौन से आ रहे हैं, उसका एंड पॉइंट कौन सा है। जैसे ये हमारे पास एक एज है जी E1 है, E1 का एंड पॉइंट एक V1 है और एक V2 है, E3 का एज है जी V1 और V5। तो इस तरह से हमने एंड पॉइंट्स को बता देना है, जो हमने पहले किया था वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी ठीक है। तो इसको भी आपने लाजमी देख लेना है। उसके बाद प्लानर ग्राफ्स आ जाते हैं। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी दैट वेदर एनी ग्राफ कैन बी ड्रॉन इन द प्लान मीन्स फ्लैट सरफेस विदाउट क्रॉसिंग एनी एज, यानी फ्लैट सरफेस पे किसी भी एज को क्रॉस किए बगैर कैसे एक ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस ग्राफ नोट इट दैट ईच वर्टिक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टिक्स बट नो एज, इसका कोई एज नहीं है लेकिन कोई ना कोई किसी के साथ अटैच है। ये देखें ये जो है ये सब के साथ अटैच है, ये जो है वो सब के साथ अटैच है, कोई भी फ्री नहीं है। जैसे कि जैसे मैं ये ग्राफ बना दूं तो ये देखें कुछ फ्री है ना, ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है ना, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो हर एक एज किसी ना किसी के साथ अटैच होता है, वो होता है हमारे पास फ्री ग्राफ ठीक है। उसके बाद 44 आपका लेक्चर आ जाता है ट्रीज़, ट्रीज़ को कैसे बनाया जाता है। उससे पहले हमने एक चीज़ सीखी थी ट्री वाली, यहाँ पे ट्री क्या है, अ ट्री इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ दैट डज नॉट कंटेन एनी नॉन ट्रेवल सर्किट, इट इज़ अ सर्किट ट्री ट्री। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जी ट्री किस तरह बनाई जाती है। जैसे कि आप एक हमारे पास पौधा होता है, दरख्त होता है, उसकी शाखें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये ट्री काम करेगी ठीक है। इस ट्री की ये शाखें, इसकी शाखें कहीं ना कहीं निकल रही हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन ट्री, ये हमारे पास ट्री है जिसकी यहाँ पे कोई ना कोई एक रूट होती है, उसके बाद आगे उसके जो है वो पत्ते वगैरह या उसके आगे एट्रीब्यूट्स निकलते हैं ठीक है। और एग्जांपल ऑफ नॉन ट्रीज, तो ये जो है हमारे पास डिसकनेक्टेड ग्राफ है, ग्राफ विद अ सर्किट, ये हमारे पास सर्किट ग्राफ है, ये डिसकनेक्टेड है किसी भी एजेस के साथ, ये कनेक्टेड नहीं है ठीक है, और ये नॉन ट्रीज हैं। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास ये जो ग्राफ है, ग्राफ विद अ सर्किट, जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो वो एज ए सर्किट होगा। अब आपने ट्रिवियल ट्री की डेफिनेशन याद रखनी है, अ ग्राफ दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्टिक्स इज कॉल्ड ट्रिवियल ट्री, यानी कि जिसका एक ही वर्टिक्स हो वो सिंगल ट्री है। एम्प्टी ट्री इट मींस अ ट्री डज नॉट हैव एनी वर्टिसेस और एजेस, कोई वर्टिक्स कोई एज नहीं है, वो सिंपल है। और फॉरेस्ट जिसकी शाखें भी हों आगे और कनेक्टेड हों एक दूसरे के साथ और नो सर्किट बना रही हो, इट मीन्स कि वो फॉरेस्ट ट्री है ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रीज आपने ये याद कर लेनी है, अ ट्री विद एन वर्टिसेस हैज़ एन माइनस वन एजेस, यानी कि ये आपने सारी देख लेनी है क्योंकि ये पेपर के हवाले से आपके क्वेश्चंस लाजमी आएंगे, तो इनको आपने लाजमी देखना है। तो जैसे उसने कहा एक्सप्लेन वाई ग्राफ विद अ गिवन स्पेसिफिकेशन डू नॉट एग्जिस्ट, 1 ट्री 12 वर्टिसेस 15 एजेस, 12 -1 = 11 एजेस नॉट,
एनी ट्री विद फाइव वर्सेज विल हैव फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर, यानी कि जितने भी उसके वर्सेज होंगे उसमें से एक माइनस कर दो तो उतने उसके एज बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने जहन नशीन कर लेनी है। उसके बाद हम लास्ट पे चलते हैं जी, स्पैनिंग ट्रीज। सपोज इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिवेलप अ सिस्टम ऑफ रोड्स बिटवीन सिक्स मेजर सिटीज़। हमारे पास कुछ सिटीज़ हों और उनके दरमियान में हमने जो रोड बनाना है। अ सर्वे ऑफ एरिया रिवील्ड दैट ओनली द रोड शोन इन द ग्राफ कुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो उसके लिए हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद हमें पता चलेगा कि ये रोड्स हम कहाँ कहाँ से गुजार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन याद कर लेनी है, ये रिमार्क्स याद कर लेने हैं और फाइंड द स्पैनिंग ट्री फॉर द गिवन ग्राफ बिलो। यहाँ पे उसने ट्रीज को बताया होता, ग्राफ हैव सिक्स वर्सेस ए बी सी डी ई एफ एंड नाइन एजेस, सो वी मस्ट डिलीट नाइन माइनस सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर एजेस एज वी स्टडीड इन द लेक्चर नंबर 44 दैट ट्री ऑफ वर्सेस एन हैज एन माइनस वन एजेस। जैसे मैंने बताया था एन माइनस वन एजेस हूँ तो ये हमारे पास द एसोसिएटेड स्पेनिश ट्री, तो ये हमारे पास विदाउट किसी लैगिंग के हमारे पास एक ट्री बन जाएगी। तो इस तरह से आपने ये सारा कर लेना है। मेरी कोशिश यही रही है कि मोटी मोटी जो भी चीज़ें थी मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को बता दी हैं, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए, अपने पास पेपर के लिए। लाजमी पास पेपर में से तैयारी करें ताकि आप लोगों को जो है वो आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो सके, क्योंकि आप लोगों का जो ज़्यादातर पेपर होता है वो पास पेपर में से आता है। तो लाजमी देखिएगा पास पेपर्स को और वहाँ से एमसीक्यूज़ काफ़ी सारे आते हैं और इसकी थ्योरी को लाजमी पढ़िएगा, क्योंकि थ्योरी में से काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।